हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर आपका न्यू चैप्टर है 70। चैप्टर नंबर 70 न्यू चैप्टर है डाटा एंट्री। ये हम लोग पढ़ेंगे। डाटा एंट्री का मतलब होता है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, मतलब आंकड़ों को क्या करना, संग्रह करना, एकत्र करना। ठीक है, डाटा क्या होता है तो पहले इसके विषय में जान लीजिए। ये जो डाटा लिखा हुआ है इसका मतलब हिंदी में होता है आंकड़ा। आंकड़ा का मतलब क्या होता है? आंकड़ा का मतलब होता है जो हमारी सूचनाएं होती है। ठीक है, सूचनाओं को संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करना, किसी भी सूचनाओं को, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको न्यूमेरिकल रूप से, मतलब संख्या के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। और डाटा को एकत्र करना मतलब संग्रह करना, डाटा हैंडलिंग, ठीक है, कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन बुक में भी आपके लिखा है डाटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा जो होता है वो आपका जो सूचनाएं होती है उसका एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। उसके बाद आर आपसे न्यूमेरिकल, जिसको हम संख्या के रूप में प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आइए, डाटा को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ पेपर पर कई तरीके से उसको शो किया जा सकता है। देखिए, पहले हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो है डाटा एंट्री के विषय में बताएंगे कि कैसे जो है हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका जो है ग्राफ के माध्यम से कैसे हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहले डाटा एकत्र करते हैं। जैसे हमारे विद्यालय के बच्चों, मान लीजिए आपके स्कूल में कुल 1 से लेकर के 5 तक बच्चों का आपको डाटा तैयार करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डालने के पहले आप इस तरीके से ये बना लेंगे बच्चों, इस तरीके से टेबल आप तैयार करेंगे और इसको दो टेबल में इसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे बच्चों क्लास, और यहाँ पर डालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका कॉलम नंबर के रूप में है अंदर। उसके बाद आप जो है प्रत्येक क्लास के जो रजिस्टर होते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे बच्चों, क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों का यहाँ डालेंगे 1, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद ये बच्चों ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, ये क्लास आपने डाल दिया। मान लीजिए क्लास फर्स्ट में सपोज है 20 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है बच्चों? 20। ठीक है, और क्लास टू में मान लीजिए आपका 30 बच्चे हैं, इसमें आपके 40 बच्चे हैं। ठीक है, और आगे नेक्स्ट में आपका मान लीजिए यहाँ पर हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 25 स्टूडेंट होंगे, और इसमें आपके मान लीजिए 50 स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका हो गया
तो इसको हम जो है ये तो डाटा का संग्रह हो गया, डाटा हमने एकत्र कर दिया। अब इसको डाटा को ग्राफ पर आप कैसे जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके लिए है। तो पहला इसमें होता है उसको पिक्टोग्राफ। हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ ये क्या होता है, किसी भी डाटा को हम पिक्चर के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। डाटा को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वही से नहीं, यहाँ पर लिखेंगे क्लास और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास आपको किस तरीके से आप जो है इसका खींच लेंगे, क्लास में आप डालेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके। अब क्या करेंगे, अब इसमें आपको एक जो है फिगर मानना होगा, ठीक है, कि जैसे कोई फिगर आप मान लीजिए ये फिगर हमने मान लिया, ठीक है, पिक्टोग्राफ में यहां पर मान लिया सो आई स्टूडेंट फाइव स्टूडेंट इक्वल ए वन फिगर, ये फिगर हमने बना लिया बच्चों, यहाँ पर लिखे, ठीक है, यहाँ पर ये फिगर बना लिया, ठीक है, ये जो है हमारा ए पैमाना हो गया। इसके अनुसार मतलब फाइव स्टूडेंट को ए वन फिगर शो कर रहा है, ठीक है, वैसा फिगर रहेगा तो फाइव स्टूडेंट को शो करेगा। अब यहाँ आप देखिए फर्स्ट में आप देखिए क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, टोटल 40 बच्चे हैं। तो अगर 40 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 4। तो अगर हम 4 फिगर वैसा बना देंगे तो 40 बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, 4 फिगर इस तरीके का बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 8 बच्चों को देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20 बच्चों को ये स्टिक करेगा, ठीक है। क्लास सेकेंड में देखेंगे 30 बच्चे हैं तो हमको कितना फिगर बनाना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे इसे तो क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से यहाँ पर आप फिगर बना देंगे, एकदम सेम फिगर होना चाहिए इसका ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इस तरीके से आप फिगर क्रिएट करेंगे, ये हो गया बच्चों। अब आगे नहीं जाते हैं यहाँ पर, इसको लाइन आप नीचे चले जाएंगे, नेक्स्ट आप थर्ड में आप देखेंगे 40 स्टूडेंट है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगा 8। एक फिगर हम सुनने के लिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं सीधा आप आएंगे
को लाइव दीजिएगा आप मुझे आपको करना चाहिए फोर्थ में देखिए बच्चे को 25 बच्चे हैं तो यहाँ क्या करेंगे कितना दीजिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ से आप देख लेंगे 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद क्या आ जाएगा आपके लिए यहाँ पर 5 हो जाएगा उसके बाद लास्ट वाला है तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाला 5 वाला इसमें देखिए यहाँ कितने टाइम होंगे आपको सीखा करेंगे 5 का आप देखेंगे कितने बच्चे हैं 50 फिफ्थ में 50 बच्चे हैं 50 बच्चों का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर उस तरीके का बनेगा इसमें तो यहाँ से फिगर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 फिगर आप उसको बना करके एक कंप्लीट करिए बच्चों और आपका ये पूरा पिक्टोग्राफ इस आंकड़े के द्वारा इस डाटा के डाटा इंफॉर्मेशन के द्वारा ये आपका पिक्टोग्राफ पहले तरीके का ग्राफ तो है यहाँ क्या पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चों किसी भी डाटा कलेक्टर को हम उसको जो है फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पिक्टोग्राफ बोला जाता है फिगर इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप केवल ऐसा फिगर यूज करें कोई भी फिगर आप कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप ये क्यों बनाया जाता है इसका मतलब भी आप जानेंगे कि इसको केवल देखने मात्र से ही आपको पता चल जाता है कि किस क्लास में बच्चे अधिक है इसको आप टोटल यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है केवल आप फिगर देखेंगे आप जान जाएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फिगर बना हुआ है इसलिए क्लास 6 में सबसे ज्यादा बच्चे होंगे ठीक है उसके बाद आप सीखेंगे जो है इसमें सबसे कम फिगर बना हुआ है इसलिए फिगर के माध्यम से आप बताएंगे क्लास 1 में सबसे कम बच्चे हैं ठीक है इस तरीके से ये जो है डाटा का जो कंपेयर करने का वो जो तरीका होता है इससे आसानी से समझा जाता है ठीक है बच्चों ये हो गया हमारा और उसके बाद इसी आंकड़े को इसी डाटा को हम नेकेड टाइप की जो है बार ग्राफ के द्वारा इसमें करते हैं ठीक है इसका जो है फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे तैयार करते हैं आइए इसको देखते हैं टैली चार्ट क्या होता है टैली का मतलब होता है इंतजाम करना मैच कराना ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जिस तरीके से कालम आप देख सकेंगे यहाँ देखिए आप कालम यहाँ पर डालेंगे क्लास यहाँ पर डालेंगे टैली मार्क लिख सकते हैं टैली लिख सकते हैं और यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ इस तरीके से आपका कलम तैयार हो जाएगा ठीक है इसमें आप क्लास में आप क्लास जाते हैं यहाँ से यहाँ से क्लास जाएंगे 1 2 3 4 और थोड़ा सा दूर जाते हैं 2 3 4 एंड 5
इस तरीके से बच्चों आप टेबल तैयार करेंगे, क्लास टैली मार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्लास फर्स्ट में आप जितने डाटा के सिलेक्शन किए हैं उसको टैली चार्ट के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है तो 20 के लिए आप टैली मार्क कैसे लगाते हैं, तो जानिए आप 20 को आप फाइव के ग्रुप में जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, ठीक है। फाइव से डिवाइड करेंगे हमेशा जो है फाइव से ही डिवाइड किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, फाइव का ग्रुप बनता है। तो इस तरीके से ग्रुप बनता है 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। उसके बाद जो फाइव होता है बच्चों, फाइव के लिए आप क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं इस तरीके से, क्लास। तो ये 4 8 15 कंप्लीट हुआ और 1 8 मिल जाएगा इसमें, तो टोटल एक कितने का ग्रुप बन जाएगा, फाइव का। तो फाइव फाइव का ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर फिर फाइव का करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और 1 2 3 4 5। अब इसको काउंट करेंगे आप, तो 1 2 3 4, 4 5 का 4 5 कितना होता है 20, यहाँ हम बनाएंगे तो 20। फिर इस तरीके से 5 कितने ग्रुप बनेंगे, 5 से 5 सिक्स जा 6 ग्रुप बनेंगे, तो इसका इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद तो यहाँ पर ये हो गया था क्लास सेकेंड में एक और ग्रुप बनेगा 1 2 3 4 5। तो ये 30 बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 30 के, और लास्ट वाले में आप देखेंगे तो चलेंगे क्लास थर्ड में 40 40, मतलब ये ग्रुप बनेगा आपका, ये ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कितने ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, और एक ग्रुप और 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आइडिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 के कितने ग्रुप बनेंगे, 5 ग्रुप बनेंगे, 5 ग्रुप आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रुप आपके लिए तैयार है। एक में है 25, और यहाँ पर जो है 8 ग्रुप बनेगा बच्चों, 50 में 8 ग्रुप आप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
ये हो जाएगा आपके सही। उसके बाद टोटल भी आप कर सकते हैं, इसको टोटल नीचे आप कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है। इस तरीके से टैली चार्ट तैयार करते हैं बच्चों, दिए गए डाटा के अनुसार जो डाटा आपको जो है मिला है उसके अनुसार आप टैली चार्ट इस तरीके से बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसको बार ग्राफ में भी आपका बार ग्राफ
पर ठीक है। चलिए बार ग्राफ को समझते हैं, उसमें बार ग्राफ क्या होता है, इसी क्वेश्चन को बार ग्राफ के द्वारा भी आप देखेंगे। बार ग्राफ क्या होता है इसको आप जान लीजिए। ये आपके जो डाटा है यहाँ पे दिया गया है, इस डाटा के अनुसार आप जो है ग्राफ पर इसको बार ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बार ग्राफ को हम जो है रेक्टेंगल फिगर के द्वारा